प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर में प्रदेश 9 जिलों में नए 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और इसके बाद पीएम मोदी ने वाराणसी में भी जनसभा को संबोधित किया है। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव के जयघोष के साथ की। इसके बाद मोदी ने ठेठ बनारसी भाषा में जनसभा में आए लोगों का अभिवादन किया और आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी। मोदी ने कोरोना महामारी वैक्सीन और टीकाकरण अभियान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने का भी जिक्र किया और कहा कि सबके आशीर्वाद से मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जहां महादेव का आशीर्वाद है वहां कल्याण ही कल्याण है और इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आज की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का जिस कार्यक्रम का भी कुछ देर पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया है, यह नए भारत के नए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत को खड़ा करने का एक अभियान और उस अभियान के साथ हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आभारी हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 64,000 करोड़ रुपए की इस बड़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को और काशी की धरती से इस परियोजना को प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज यूपी सहित पूरे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत देने के लिए, भविष्य में महामारियों से बचाव के लिए हमारी तैयारी उच्च स्तर की हो, गांव और ब्लॉक स्तर तक हमारे हेल्थ सिस्टम में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आए, इसके लिए आज काशी से मुझे 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।